हेलो एवरीवन, आई एम पिनल गरासिया फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज हम ईवीएस में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 10, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। हमारे देश में तरह तरह के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो आज हम हमारे देश में कौन कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं वो जानेंगे। यहाँ पे आपको पिक्चर्स में, यहाँ पे है दिवाली का पिक्चर्स है, यहाँ पे है होली, यहाँ पे ईद, नवरोज, गुरु नानक जयंती, और यहाँ पे है क्रिसमस। क्रिसमस अभी आने वाला है ना? हमने अभी दिवाली सेलिब्रेट किया किया ना? इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष। हमारे देश में तरह तरह के धर्म यानी रिलीजन के लोग रहते हैं। एवरी सिटीजन हैज राइट टू फॉलो हिज या हर रिलीजन फ्रीली। हमारे देश में हर एक सिटीजन को, हर एक मेंबर को अपने रिलीजन यानी कि अपने धर्म को फ्रीली फॉलो करने का अधिकार है। इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट सेलिब्रेट्स फेस्टिवल्स थ्रू आउट द ईयर। इंडिया ही एक ऐसा देश है जो जहाँ पे तरह तरह के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। बिकॉज इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कस्टम्स स्टे टुगेदर। क्योंकि हमारे देश में तरह तरह के धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। हमारे यहाँ जैन, हिंदू, मुस्लिम्स, पारसी, ये सब यहाँ पे रहते हैं, और वो सब अपने अपने फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। दे सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स विथ हैप्पीनेस, और वो अपने फेस्टिवल्स खुशी से मनाते हैं। फेस्टिवल्स ब्रिंग्स हैप्पीनेस इन अवर लाइफ। त्योहार हमारे हमारी लाइफ में खुशियां लाती है। वी ईट स्वीट्स एंड मेक डिलीशियस फूड ड्यूरिंग द फेस्टिवल। हम त्योहार के दौरान तरह तरह की डिलीशियस फूड, तरह तरह के खाने की चीजें बनाते हैं। वी वेयर न्यू क्लोथ्स। वेयर यानी पहनना, हम नए कपड़े पहनते हैं। वी मीट अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हम हमारे दोस्तों को और रिलेटिव्स को मिलते हैं। एवरी वन सेलिब्रेट्स डिफरेंट फेस्टिवल्स इन डिफरेंट वेज। हमारे यहाँ हमारे देश में हर एक अपने फेस्टिवल्स डिफरेंट वे से सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे आपको फेस्टिवल्स, नेशनल हॉलीडेज, यहाँ पे कई ऐसे फेस्टिवल्स हैं और नेशनल हॉलीडेज हैं जिनके बारे में आपको बताया गया है। यहाँ पे है रिलीजियस फेस्टिवल और यहाँ पे है नेशनल हॉलीडेज। हम नेशनल फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं और रिलीजियस फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं। पहले हम देखेंगे रिलीजियस फेस्टिवल्स। रिलीजियस फेस्टिवल्स में हम देखेंगे दिवाली, होली, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, पतेती, ईद, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन। ये है रिलीजियस फेस्टिवल्स। और ये फेस्टिवल्स के दिन हमारे स्कूल्स में हॉलीडेज होते हैं, नेशनल हॉलीडेज। ये है नेशनल हॉलीडेज। तो कौन कौन से है नेशनल हॉलीडेज और नेशनल फेस्टिवल? ये है रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट द रिलीजियस फेस्टिवल्स। हम स्टडी करेंगे डिटेल में हमारे रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में। यहाँ पे है दिवाली। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली लाइट्स यानी कि दियो का त्योहार है। इट इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। ये हिंदुओं का त्योहार है। दे लाइट देयर हाउसेस विथ दियाज, कैंडल्स एक्सेट्रा। वो अपने घरों को दीयों से और कैंडल से सजाते हैं। दे बर्न क्रैकर्स, दे
मेक स्वीट्स एंड डिलीशियस फूड. दे ग्रीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड विश देम गुड लक अहेड. वो लोग क्रैकर्स जलाते हैं और स्वीट्स बनाते हैं, डिलीशियस फूड बनाते हैं. वो अपने दोस्तों को मिलते हैं, उन्हें अपने दोस्तों को मिलते हैं, अपने रिलेटिव्स को सॉरी विश करते हैं और सबको गुड लक विश करते हैं अपनी आगे की जिंदगी के लिए. पीपल वर न्यू क्लोथ्स एंड स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड देम. लोग दिवाली के दिन नए कपड़े पहनते हैं और अपने आसपास हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं, खुशियां फैलाते हैं. होली. होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. होली रंगों का त्योहार है. इट इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज. ये हिंदुओं का त्योहार है. ऑन दिस डे पीपल लाइट होली फायर एंड प्रे टू गॉड. इस दिन लोग होली फायर जलाते हैं और भगवान से प्रे करते हैं. दे सेलिब्रेट द फेस्टिवल बाय पुटिंग कलर्स एंड स्प्रेइंग वाटर ऑन ईच अदर. इस दिन सब सब पे कलर डालते हैं और पानी डालकर होली का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं. गणेश चतुर्थी. गणेश चतुर्थी इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज. ये हिंदुओं का त्योहार है. दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश. ये फेस्टिवल यानी कि गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में धूमधाम से मनाई जाती है. दे वर्शिप द आइडल ऑफ लॉर्ड गणेश. वो लोग भगवान गणेश की पूजा करते हैं. फॉर 10 days द एटमोस्फियर इज चीयरफुल एंड फेस्टिव. 10 दिनों के लिए एटमोस्फियर इज चीयरफुल एंड फेस्टिव. वहां का जो वातावरण होता है वो चीयरफुल होता है और फेस्टिव होता है. नवरात्रि. नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज ऑल ओवर इंडिया इन डिफरेंट वेज. नवरात्रि हिंदुओं का त्योहार है और वो लोग तरह तरह से नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं. द मदर गॉडेस अम्बा और दुर्गा इज वर्शिप फॉर 9 days. गॉडेस अम्बा और दुर्गा, अम्बा माँ और दुर्गा माँ की पूजा की जाती है 9 दिनों के लिए. और गुजराती सेलिब्रेट नवरात्रि बाय डांसिंग द गरबा एंड रास. गुजराती लोग यानी हम गरबा और रास खेल के नवरात्रि का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं. वाइल इन द ईस्ट एंड साउथ ऑफ इंडिया. जबकि ईस्ट और वेस्ट ईस्ट एंड साउथ ऑफ इंडिया में इट इज सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा. जबकि ये दुर्गा पूजा के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं. कहाँ पे? साउथ ऑफ इंडिया एंड ईस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के पूर्वोत्तर राज्य में और साउथ इंडिया में ये दुर्गा पूजा से प्रचलित है. द 10th day इज सेलिब्रेटेड एज दशहरा. और उस नवरात्रि में 10वां जो दिन होता है वो दशहरे से जाना जाता है. द बर्निंग ऑफ द इफी ऑफ रावण इज लाइक बर्निंग आउट द एविल इन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. और फिर दशहरे के दिन हम रावण को जलाते हैं और हमारे अंदर के रावण को भी, हमारे अंदर के शैतान को भी हम इस दिन जला देते हैं, ऐसा कहा जाता है. आज हम यहाँ तक रखेंगे. बाकी के फेस्टिवल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आपको ये चैप्टर यहाँ तक रीड करना है और बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.